गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मीनाक्षी योर एसएस टीचर वेलकम्स यू इन योर सिविक्स क्लास। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आवर सिविक्स सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। हम इसके अंदर क्या है, किस लेसन को रीड करने वाले हैं, सेकंड चैप्टर क्या है हमारा, धर्म निरपेक्षता की समझ। सेक्युलरिज्म के बारे में हम पिछले लेसन में जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स को कर रहे थे तो उसके अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहले कि सेक्युलरिज्म जो हमारा लास्ट पॉइंट आया था वो क्या था, हमारा सेक्युलरिज्म ही था, धर्म निरपेक्षता। उसके अंदर सिर्फ हमने इस बात को रीड किया था कि धर्म निरपेक्षता क्या होती है। अब हम इस लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। इमेजिन योर सेल्फ एज ए हिंदू और मुस्लिम लिविंग ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरीका वेयर द क्रिश्चियंस फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल। मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आप क्या हिंदू या मुसलमान हैं और अमरीका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ पर ईसाई कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सपोज दैट डिस्पाइट बींग ए सिटीजन बींग अ यू एस सिटीजन नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। क्या वहाँ पर क्या है, अमेरिका के नागरिक होते हुए भी आपको क्या है, कोई भी मकान किराए पर नहीं देना चाहता। हाउ वुड यू मेक फील, तो आप कैसा महसूस होगा, वुड इट नॉट मेक यू फील रिजेंटफुल, तो आपको क्या आएगा इससे, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा क्या। वट इफ़ यू डिसाइड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वट टू गो बैक इंडिया। क्या करोगे आप, क्या करोगे इसकी, अगर आपके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है तो आप इसकी शिकायत करेंगे और जब आपको जवाब में ये कहा जाएगा कि आप यह देश क्या है तुम्हारा नहीं है, तो आप कहाँ लौट जाओ, भारत लौट जाओ। वुड दिस मेक यू फील एंग्री, तो उससे आपको और ज़्यादा गुस्सा आएगा। योर एंगर कुड टू फॉर्म्स, तो आपका जो गुस्सा है वो दो भागों में बढ़ जाएगा। कौन कौन सा, फर्स्ट क्या होगा, यू माइट रिएक्ट by saying Christians should get the same treatment in the places where Hindu and the Muslim are in majority। तो हो सकता है आपको यह प्रतिक्रिया में यह कह दिया जाए कि जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। और you might take the view, या फिर आपका क्या विचार होगा, there should be justice for ऑल, या फिर आप ये राय बना लोगे कि सबके साथ क्या है, समान तरह का व्यवहार होना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। तो इसी सोच के आधार पर क्या करोगे, आप क्या करोगे, एक संघर्ष का रास्ता चुनोगे। इसके बाद आप क्या कर सकोगे, एक आवाज़ उठा सकोगे। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द अजम्पशन दैट ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड। तो आप ये क्या आवाज़ उठाओगे, धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भी क्या है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सोच इस मान्यता पर आधारित हो कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व ख़त्म होना चाहिए, यानी धर्म के आधार पर क्या है, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। तो यही क्या है, धर्म निरपेक्षता का एसेंस क्या होता है, मूल मंत्र है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंडियन कंटेस्ट। तो इस लेसन के अंदर हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि भारत के संदर्भ में इसका क्या मीनिंग होता है, सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है। हिस्ट्री प्रोवाइड अस मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूजन एंड प्रिक्लूजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। क्या है इतिहास, हमारे इतिहास के आधार पर हम क्या है, हमें धर्म के आधार पर क्या किया जाता था, हमसे भेदभाव किया जाता था, या क्या किया जाता था, एक्सक्लूजन मतलब बेदखली की जाती थी, या हमारे साथ क्या किया जाता था, अत्याचार किया जाता था धर्म के आधार पर। इस तरह के हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जब क्या हम अपनी हिस्ट्री को दोहराते हैं, यानी कोई भी चीज़ हम अपनी हिस्ट्री को उससे ही सीखते हैं। तो हमने जो पिछली गलतियाँ की है, हिस्ट्री पढ़ने का मतलब यही कहा जाता है कि हमने जो पिछली गलतियां हमने की हैं आगे हम उन सबको ना दोहराएं। यू मे हैव रीड अबाउट ज्यूज एवर प्रोसेक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी एंड हाउ द सेवरल मिलियन वर किल्ड।
तो शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में क्या है यहूदियों पर किस तरह से बहुत ज़्यादा क्या है अत्याचार किए थे, और वहाँ पर उसने लाखों लोगों को क्या है मार गिराया था। नाउ अब हाउएवर द ज्यूस स्टेट ऑफ इज़राइल ट्रीट इट्स ऑन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ क्वाइट बैडली। लेकिन अब यहूदी धर्म मानने वाले इज़राइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक के साथ अभी भी क्या है उनके साथ क्या है बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है, बैडली तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। इन सऊदी अरेबिया में क्या है नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल चर्च एसेट्रा एंड नॉर कैन दे गैदर इन ए पब्लिक प्लेसेस फॉर प्रेयर। सऊदी अरब में भी क्या होता है जो गैर मुसलमान हैं उनको वहाँ पर मंदिर या गिरजाघर बनाने की कोई भी छूट नहीं है, और ना ही वहाँ पर किसी धर्म वहाँ पर इन धर्मों के जो लोग हैं वो पूजा करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, वो किसी भी सार्वजनिक जो स्थान है वहाँ पर भी पूजा करने के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। ये हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर हमने किस किस के बारे में पढ़ा, हमने हिटलर के बारे में पढ़ा, जर्मनी के अंदर कैसे उन्होंने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया था, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, सऊदी अरब के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर क्या है कैसे जो गैर मुसलमान है उनको वहाँ पर क्या मंदिर या जो चर्च होता है वहाँ पर पूजा करने नहीं दिया जाती है, उनके साथ क्या है वो किसी भी जो पब्लिक प्लेस है उसके ऊपर इकट्ठा होकर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। ये थी हमारी हिस्ट्री। इन ऑल ऑफ द एग्जांपल, ये सभी जो एग्जांपल है, मेंबर ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर प्रोसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ वो क्या कर रहे हैं भेदभाव कर रहे हैं या फिर उनका क्या कर रहे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं उनका उत्पीड़न कर रहे हैं कैसे कर। दीज एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजीली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजियस। तो भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म की मान्यता दे देता है, यानी कि क्या है किसी भी एक धर्म को क्या है एक मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ जब हमने देखा सऊदी अरब के अंदर क्या है मुसलमानों को मान्यता मिली हुई थी, है ना, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि किसी भी स्टेट को, स्टेट मतलब हमने पढ़ा था स्टेट हम वर्ड किस लिए यूज़ करते हैं, पूरे देश के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्टेट का मतलब किसी राज्य से नहीं है, जैसे आप हरियाणा में रहते हो हरियाणा एक राज्य नहीं, स्टेट क्या है पूरे देश के लिए है ना। तो यह स्टेट का कोई भी एक धर्म को अगर हम मान्यता दे जाते हैं तो वहाँ पर जो दूसरे अन्य धर्म के जो लोग होते हैं उनके साथ क्या है अमानवीय व्यवहार किया जाता है। क्लियरली No one would wish to discriminate it against because of their religion, nor dominated by another religion. तो जाहिर है कि वहाँ पर क्या है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही वो क्या है किसी भी प्रकार का न ही वो किसी दूसरे धर्म में अपना दबदबा झेलना चाहता है। In India, the state discriminated against a citizen on the ground of their religion. तो क्या भारत में भी राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है। अब इस लेसन के अंदर हम रीड करेंगे कि भारत में भी ऐसा होता है कि एक धर्म के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, दूसरे धर्म के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। तो इस लेसन के अंदर हम रीड करेंगे कि क्या इंडिया में ऐसा होता है। वट इज़ सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता क्या होती है। धर्म निरपेक्षता वर्ड से हमें समझ में आ रहा है धर्म जो किसी भी धर्म से क्या हो संबंधित न हो, धर्म निरपेक्षता। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टेरनी ऑफ द मेजोरिटी। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हमें क्या है कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पढ़े थे हमने कितने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, हमने 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। वो कौन कौन से थे फंडामेंटल राइट्स, पहला क्या राइट था देखो आप पिछली बुक लेसन में देखो, फर्स्ट हमने पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम,
थर्ड था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चर, फिफ्थ था हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, और सिक्स था हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडीज। तो हमें क्या था, राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है। राइट टू फ्रीडम में क्या है, मतलब हम क्या है किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हमारे लिए हम चाहे हिंदू बने मुस्लिम बने ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने इसके बारे में रीड किया है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दीज। क्या है ये अधिकार, क्या करते हैं हमें भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की क्या है पूरी पूरी छूट देता है। यानी किसी भी धर्म में हमारा जो देश है हमारी जो सरकार है वो किसी भी धर्म में इंटरप्रेट नहीं करती, हस्तक्षेप नहीं करती। इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, हमें सभी को क्या है अपना धर्म अपनाने की क्या है आज़ादी है। इंडिया आल्सो एडोप्टेड ए स्ट्रेटजी ऑफ स्प्रेडिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। क्या है कि भारत में भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। यानी धर्म को क्या है राज्य के साथ नहीं जोड़ा जाता या राज्य को धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाता है। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म होता क्या है आप, सेक्युलरिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। सेक्युलरिज्म क्या होता है, धर्म निरपेक्षता क्या होती है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन, सेपरेशन का मतलब क्या होता है अलग करना, किसको धर्म को किससे अलग करना, फ्रॉम द स्टेट राज्य से अलग करना। यानी कि धर्म निरपेक्षता क्या होती है हमारी, जब क्या है राज्य को धर्म से अलग रखते हैं, धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को हम क्या कहते हैं सेक्युलरिज्म कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, पता लग गया पहले, अभी तो हम इस लेसन में इतना ही रीड करेंगे कि सेक्युलरिज्म होता क्या है, फिर इसके अंदर क्या है क्या बताया गया है। ये एक पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है, ये जो पिक्चर दिखाई गई है इस पिक्चर के अंदर क्या बनाया, किसी स्टूडेंट की मान लीजिए ये बनाई हुई पिक्चर है, तो इसमें अंदर क्या दिखाएगा, द थ्री ड्राॅइंग ऑन दिस चैप्टर वर डन बाय स्टूडेंट ऑफ आवर योर एज, दे आस्क टू ड्रा रिलीजियस स्टोरलाइंस। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्हें धार्मिक सहनशीलता का चित्र बनाने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने क्या है इसके अंदर क्या है सभी बना दिया, मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, के चर्च बना दिया और मॉस्क्यू मतलब मस्जिद बना दी है, गुरुद्वारा बना दिया है, सभी धर्मों को उन्होंने क्या कर दिया है इकट्ठा कर दिया है। जहाँ पर सभी धर्म इकट्ठे होते हैं वो क्या होता है हमारा सेक्युलरिज्म, क्योंकि भारत में क्या है सभी धर्म पाए जाते हैं और यहाँ पर क्या है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, अगर कोई इसके साथ ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध क्या है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।